जंगल में भी मंगल हो जाएगा इनकी कृपा से। हमें दो तो दशरथ जी घबरा गए। ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को नाही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशन को हुक्म ना टारी हो गुलाम बिनु दाम को बिंदु कवि बारी तट बाघ वनवास लीजे सकल सुपास लीजे आप ही के काम को ग्राम लीजे ठाम लीजे धन और धाम लीजे काढ़ लीजे चाम पैन नाम लीजे राम को। सब कुछ दे सकता हूं राम जी तो प्राणों के भी प्राण हैं। अच्छा देखो परीक्षा लेने की विश्वामित्र जी की आदत पुरानी है। अच्छा किसी की भी आदत हो तो जाती नहीं है, थोड़ी बहुत बनी रहती है। एक सज्जन सुना रहे थे कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी थी सवेरे सवेरे 5 बजे की ट्रेन। एक तांगे वाले को पहले ही उन्होंने कह दिया कि सवेरे आ जाना भैया 4 बजे ताकि ट्रेन पकड़ सके हम लोग। सवेरे आया ही नहीं तांगे वाला। 4:15 बजे तांगे वाले से अरे आंख मलता हुआ उठा जल्दी घोड़ी को जोता तांगे में बैठो। अब घोड़ी को तांगे में जोत कर जो तांगा चलावे तांगा चले ही नहीं। थोड़ी दूर चले घोड़ी फिर रुक जाए तो घोड़ी को हांकता नहीं था, घोड़ी के सामने उतरकर डांस करता था नृत्य। फिर वो 10-5 कदम चले फिर रुक जाए फिर वो डांस करे। यात्री ने कहा ये क्या तमाशा है, बार बार उतरकर नाच दिखाते हो तुम। तांगे वाला बोला साहब क्या करें, हमारे पास 2 घोड़ी है, एक तांगे में जोती जाती एक ब्याह बरातों में जाती, आज मजबूरी में ब्याह बरात वाली घोड़ी जोत ली, उसको हर 10 कदम पे नाच ही देखने की आदत है, वो ऐसे ही जाएगी आदत। विश्वामित्र जी की भी आदत, दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा ली। राम जी को नहीं दे सकते, क्या दे सकते हो राम जी के बदले में। मांगो भूमि धैनु धन कोसा, सब 2-2 अक्षर के शब्द हैं। देह प्राण सब कुछ दे सकता हूं। जब प्राण देने की बात कही तब विश्वामित्र जी भी समझ गए कि अब पता लगा कि राम जी इन्हें क्यों मिले हमें क्यों नहीं। बाबा जी बनने से भगवान मिले ये जरूरी नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी,